हाय गाइस, आपका स्वागत है द न्यूट्रिकल चैनल पे। मेरा नाम है नीताशा सिंह और आज हम बात करने वाले हैं रेडमी के K20 प्रो के बारे में, जिसको कि मैं लास्ट 1 मंथ से यूज कर रही हूँ। और इस डिवाइस के अंदर मुझे कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया पॉइंट्स मिले और कुछ हमें मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिली है। मतलब देखा जाए तो ये डिवाइस जो है कुछ लोगों के लिए वो बहुत ही अच्छी ऑप्शन बन रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए जो इसमें प्रॉब्लम्स आ रही है उसकी वजह से ये डील ब्रेकर है। तो मैं आपको बताती हूँ इस डिवाइस में हमें क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, उसके बाद आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस फोन के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। आज की डेट में मोस्टली देखा जाए तो बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे अपने आसपास जो कि म्यूजिक सुनना बहुत पसंद करते हैं या मूवीज देखना। मतलब या तो वो कभी ट्रेवल कर रहे हो या कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, हर समय म्यूजिक चलता रहता है या फिर वो कोई ना कोई मूवी देख रहे होते हैं। तो इसीलिए हमारा पहला पॉइंट आता है ऑडियो आउटपुट इस डिवाइस का। अगर आप इस डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं अपने हेडफोन्स को या फिर अपने ईयरफोन्स को कनेक्ट करते हैं, तो आपको इस डिवाइस के अंदर साउंड बढ़िया नहीं मिलेगी। मतलब अगर आपके पीछे शोर है, आप स्टेशन पे हैं या पीछे भीड़ है, तो आपको आवाज़ काफ़ी कम आएगी। मतलब कि ऑडियो परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये डिवाइस के अंदर हमें मेजर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जो लोग म्यूज़िक सुनते हैं, जो लोग ट्रैवल करते समय उनको चाहिए कि फ़ोन में अपने गाने सुनने हैं, मूवीज़ देखनी है, और ट्रैवल करते समय जो शोर होता है उसकी वजह से ये डिवाइस आपके लिए अच्छी ऑप्शन नहीं रहेगा। आप घर में बैठ के म्यूजिक लगा के सुन रहे हैं तो अलग बात है, मतलब पूरी शांति में, लेकिन बाहर कहीं आप हैं, पीछे जरा सा भी शोर है, तो आपको इस डिवाइस के साथ बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। और के हमें बॉक्स के अंदर ईयरफोन्स नहीं मिलते। मतलब आज के डेट में अगर हम 10-15 हज़ार रुपए के डिवाइसेस की भी बात करें तो उसके बॉक्स के अंदर हमें ईयरफोन्स मिलते हैं, और आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एसेसरीज का। और मतलब कि ये हमारा 28-30 हज़ार रुपए का डिवाइस है और इसके साथ आपको ईयरफोन्स नहीं देता Xiaomi, तो ये मुझे बहुत ही गलत पॉइंट लगा। ईयरफोन्स मिलने चाहिए। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आज के डेट में वायर्ड हेडफोन्स या ईयरफोन्स को नहीं यूज करते अपने डिवाइसेस के साथ, बल्कि वो यूज करते हैं वायरलेस ब्लूटूथ ईयरफोन्स को। अब उसके हिसाब से सबसे पहले तो इस डिवाइस के साथ अगर आप कोई भी ब्लूटूथ अपने ईयरफोन्स को कनेक्ट करेंगे तो उसके अंदर पहले तो आपको आवाज़ बहुत ही कम आएगी। मतलब ये मुझे बहुत ही सरप्राइजिंगली नज़र आया था, आप इसका ऑडियो टेस्ट भी देख सकते हैं, काफ़ी कम आवाज़ थी, एकदम दबी दबी सी आवाज़ आएगी, चाहे आप कॉलिंग के लिए उसको देखें या फिर अगर आप उसको देखें म्यूज़िक सुनने के लिए। उसके बाद अगर हम ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो वो हमारी दूसरी मेजर प्रॉब्लम बनकर आती है कि इस डिवाइस के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी अच्छी नहीं मिलती है। मतलब अगर आप इसके साथ अपने ब्लूटूथ ईयरफोन को कनेक्ट करेंगे तो आप एक ही रूम में घूम सकते हैं। अगर आप हल्का सा दूसरे रूम की तरफ बढ़े, मतलब अपने इस रूम से बाहर निकले हो, तो इसके अंदर आपकी आवाज़ कटनी शुरू हो जाएगी, और थोड़ा सा और आगे गए तो पूरी ही कटनी शुरू हो जाएगी। मतलब ये चीज़ अगर हम इसी बजट के दूसरे डिवाइसेस की बात करें, हमारे जैसे OnePlus 7 है, इसके अंदर हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत ही बढ़िया मिल जाती है, और इवन Redmi Note 7 Pro जो था हमारा, उसके अंदर भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी हमें इससे बढ़िया मिल रही थी। सो इसके अंदर हमें एक तो ऑडियो आउटपुट अच्छा नहीं मिल रहा, पहली मेजर प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हमारी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की आ रही है। नेक्स्ट चीज आती है हमारे इस डिवाइस का पॉपअप कैमरा। लेकिन इसके अंदर जो ये हमारा पॉपअप बाहर आता है, ये इतना स्लोली बाहर आता है, स्लोली अंदर जाता है, कि अगर ये डिवाइस आपके हाथ से छूट के गिर जाए, मतलब कि अगर तो ये पहली बात आप दुआ करें कि ये आपके थोड़ी हाइट से गिरे। अगर ये हाइट से गिरता है तो ये डिवाइस जब तक नीचे आएगा तब तक ये आपका जो पॉपअप है ये अंदर जा चुका होगा। लेकिन अगर ये आपकी वेस्ट हाइट से गिरता है, मतलब आपने हाथ में डिवाइस पकड़ा हुआ था, हाथ नीचे करा हुआ था और तब गिरा है, या फिर गिरते समय ये किसी टेबल या किसी चीज़ से टकरा के गिरा है, तो ये जो हमारा कैमरा मॉड्यूल है, ये पॉपअप जो है ये टूट सकता है। मतलब जब तक ये नीचे आएगा तब तक ये अंदर नहीं गया होगा। और इसके अंदर एक दुख की बात ये आ जाती है कि आपको इस चीज़ की वारंटी नहीं मिलेगी। अगर ये चीज़ आपकी टूट के खराब हो जाती है तो फिजिकल डैमेज का आपको कोई वारंटी नहीं मिलेगी। 5-7 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे, आपको पे करने पड़ेंगे इसको ठीक कराने के लिए, आपको इसकी कोई वारंटी नहीं मिलेगी। इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं इस डिवाइस के फिंगरप्रिंट स्कैनर की। हमें मिलता है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि यूज करने में मज़ेदार लगता है। लेकिन इस डिवाइस का जो हमारा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो ना तो फास्ट है, मतलब ठीक है फास्ट नहीं है, जल्दी से अनलॉक नहीं करता। अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे OnePlus 7 के साथ तो उसके हिसाब से तो स्लो है, इतनी जल्दी अनलॉक नहीं कर पाता, लेकिन स्लो में भी बंदा काम चला लेता है। लेकिन दिक्कत यह है कि ये इतना एक्यूरेट नहीं है, मतलब 10 में से 7 बार 6 बार ये डिवाइस को अनलॉक कर पाएगा। और अगर आपके हाथ में थोड़ा भी मॉइस्चर है या फिर स्वेट है या फिर आपकी क्रीम लगी हुई है हाथ में, फिर तो इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी अनलॉक करने में। मतलब ये दिक्कत तो एक्चुअल में इमरजेंसी सिचुएशंस में
आती है कि हम अनलॉक करने की कोशिश कर रहे हैं बट वो अनलॉक नहीं हो रहा, वो बहुत इरिटेटिंग हो जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके फेस अनलॉक के बारे में। फेस अनलॉक देखा जाए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका पॉपअप स्लोली बाहर आता है, स्लोली अंदर जाता है, तो उस वजह से इसका फेस अनलॉक भी हमें स्लोली वर्क करके मिलेगा। वही टाइम लगाएगा बाहर आने में, फिर अनलॉक करेगा तो उसमें तो टाइम काफी लगेगा। बट इसके बाद जो एक और दिक्कत आ जाती है वो ये है कि आपने पावर बटन दबाया, इसमें आपका ये बाहर नहीं आएगा, आपको स्वाइप अप करना पड़ेगा तब जाके ये बाहर आएगा। अब दिक्कत ये है कि सर्दियां आ रही हैं और सर्दियों में मोस्टली लोग ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स पहन के आप इस डिवाइस को अनलॉक ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आपका फिंगरप्रिंट लॉक तो चलेगा नहीं ग्लव्स पहने हुए आपने, उसके बाद आपका फेस अनलॉक के लिए आपको स्वाइप अप भी नहीं कर पाओगे आप क्योंकि आपने तो ग्लव्स पहने हुए हैं। तो आप इस डिवाइस को अनलॉक करने के लिए पहले अपना ग्लव को उतारना पड़ेगा, मतलब एक्चुअल में बंदा अगर ग्लव्स को उतार के फेस अनलॉक को यूज करे उससे बेटर ये रहेगा कि फिंगरप्रिंट लॉक को ही ट्राई कर ले, उसी से खोल ले अपने डिवाइस को। तो देखा जाए तो फेस अनलॉक तो ऐसे ही डाल दिया गया है, मतलब इतना मजेदार नहीं लग रहा, अगर इतनी देर लगेगी उसको अनलॉक करने में तो क्या फायदा। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके आईआर ब्लास्टर के बारे में जो कि हमें इस डिवाइस के अंदर नहीं दिया गया, मतलब Xiaomi ने अपने सारे डिवाइसेस के अंदर हमें दिया था, जितने भी आप देख सकते हो नोट 5 प्रो, नोट 6 प्रो, नोट 7 प्रो सब में हमें मिलता है, इसके अंदर हटा दिया गया है। एक्चुअल में मिलना चाहिए, बहुत ही यूजफुल चीज़ होती है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगती है, मैं पर्सनली उसको यूज़ करती थी अपने गैजेट्स को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि टीवी हो गया, एयर कंडीशनर हो गया। अब इसके अंदर नहीं दिया गया तो मेरे हिसाब से जैसे कि ये थोड़ा 28-30 हज़ार रुपये का डिवाइस है, मिलना चाहिए था। अब नेक्स्ट इस डिवाइस में जो प्रॉब्लम आती है वो कुछ लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ के लिए कम है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर आप मेमोरी कार्ड नहीं डाल सकते, जो आपको इसके अंदर इंटरनल मेमोरी मिलती है आपको वही यूज़ करनी पड़ेगी, और देखा जाए तो मेमोरी कई लोगों को ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कि मूवीज़ को डाउनलोड करके रखते हैं, प्राइम पे भी डाउनलोड करके रखते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस को डाउनलोड करके देख रखते हैं, या फिर अपनी कोई वीडियो शूट करते रहते हैं, या आप अगर आप 48 वाले से ज़्यादा पिक्स क्लिक करके स्टोर करके रखोगे तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस तो चाहिए ही। कुछ लोगों के लिए दिक्कत नहीं है ये, लेकिन जिनके लिए दिक्कत है उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि आपको फिर इसके जो हमारा हाईएस्ट वेरिएंट आता है उसके लिए जाना पड़ेगा 256 GB वाला। अब जो नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है वो हमारी सिर्फ इस फोन से रिलेटेड नहीं है बल्कि इस बजट के सारे फोन से रिलेटेड है। प्रॉब्लम ये है कि हमें डिवाइसेस के अंदर कोई भी रेटिंग मिलनी चाहिए डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट, लेकिन नहीं मिलती है, मतलब फोन को बंदा सबसे ज्यादा यूज करता है, अब अपने हाथ में ही रखते हैं, कहीं पे भी जाएं, बारिश हो रही है, कुछ भी हो रहा है, फोन आपके हाथ में होता है, सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं फोन को, तो वो एक ऐसी चीज है जो कि खराब हो सकती है, तो उसके अंदर हमें ये रेटिंग मिलनी चाहिए डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट। कंपनीज का ये बहाना होता है कि हम इसलिए नहीं दे रहे हैं आपको ये रेटिंग क्योंकि ये डिवाइस में कॉस्ट डाल देती है। अब इसके लिए एक्चुअल में हमारे पास एक डिवाइस आता है LG की तरफ से, 10,000 रुपए का डिवाइस है LG Q Stylus, और उस डिवाइस के अंदर हमें IP68 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट रेटिंग मिलती है, साथ ही वो डिवाइस हमारा मिलिट्री स्टैंडर्ड पास है 810। तो एक्चुअल में ये बहाना है जो कंपनियां बनाती हैं कि ये देते नहीं है हम, कॉस्ट बढ़ जाएगी इससे आपके डिवाइस की, लेकिन दिया जा सकता है। अगर 10,000 रुपए वाले डिवाइस के अंदर हमें ये चीज मिल रही है तो मेरे हिसाब से 28-30 हज़ार रुपए के डिवाइस में भी मिल सकती है। ये सिर्फ मैं Xiaomi के लिए नहीं कह रही हूं, मैं ये हर कंपनी के लिए कह रही हूं। फोन सेफ रहे अगर सबका, पानी में भी और चीजों में भी, तो ज्यादा बढ़िया रहता है, लेकिन फिर भी कंपनी का बहाना है कि नहीं इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो आपके लिए फायदा किया गया, कॉस्ट को कट करा गया है, सो कोई बात नहीं। सो ये थे हमारे कुछ मेजर प्रॉब्लम्स Redmi K20 Pro से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, और आगे मैं आप लोगों के लिए और भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस लाती रहूंगी, सो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।